गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर वी स्टार्टेड विद द बेसिक कंसेप्ट फ्रेंड्स क्विकली टेल मी सबसे पहला पार्ट हमने कवर किया था कॉस्ट फटाफट रिवाइज करते हैं, आज हमें थोड़ा ज्यादा कवर करना है जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है टेंशन नहीं है <coughs> ये लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर वहां से आप देख सकते हो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट कॉस्ट क्या है मॉनिटरी सेक्रीफाइस इज डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव सर ऑब्जेक्टिव क्या होगा मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या बोला वापस एक बार सर कॉस्ट इज अ मॉनिटरी सेक्रीफाइस इज डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैन बी मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सर सेकेंड कॉस्टिंग क्या है कॉस्टिंग मेथड्स टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कॉस्ट कैसे असरटेन करना है उसका मेथड्स और टेक्निक है कॉस्टिंग चलो ठीक है सर तीसरा पॉइंट बताइएगा सर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सर पांच ऑब्जेक्टिव थे पांच क्या था सर सबसे पहले कॉस्ट कैलकुलेट किया सेकेंड सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया जनरली सेलिंग प्राइस कैसे आता है बराबर है ना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस तो सेकेंड पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस और एसरटेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस सर तीसरा क्या था कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन ओके सर जी फोर्थ पॉइंट क्या था एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी ईच एक्टिविटी प्रोडक्ट और सर्विसेज ओके एंड लास्ट पॉइंट क्या था एस इज द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग करते वक्त थोड़ा हेल्प करना है सर कौन से कौन से टाइप के डिसीजन है डिसीजन कौन से हो सकते हैं सर मेक और बाय डिसीजन मैन्युफैक्चर करना है बाहर से परचेस करना है शट डाउन करना है कंटिन्यू करना है नए मार्केट में एंटर करना है एक्सेट्रा ऑल सच डिसीजन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है सर नेक्स्ट पॉइंट आप मुझे बताइए सर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्या था सर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सबसे पहला क्या था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट अरे हा या ना अरे ऐसा क्या कर रहे हो सर एलिमेंट के बेसिस पे था सर एलिमेंट के बेसिस पे तीन पार्ट था फास्ट आंसर देना सर एलिमेंट के बेसिस पे तीन कौन से कौन से थे material. एक था मटेरियल कॉस्ट एक था लेबर कॉस्ट दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट और एक था आपका ओके ओकेज ओकेजेज सर मटेरियल दो कैटेगरी का डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल ओके 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 सर जी uh, डायरेक्ट मटेरियल के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता रहे हो डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज मटेरियल कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट और इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो सकता है ठीक है सर डायरेक्ट मटेरियल जाता कहां पे है यानी ओवरहेड में जाता है या प्राइम कॉस्ट में जाता है प्राइम कॉस्ट में जाता है ओके इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है मटेरियल विच इज इनडायरेक्टली यूज कैन नॉट बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट तो हमने देखा कंज्यूम हो जाता है आइडेंटिफाई लॉस्ट लॉस्ट आइडेंटिटी हो जाती वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है सर इनडायरेक्ट मटेरियल जाता कहां पे सर ओवर में जाएगा ठीक है ओके okay. इसके बाद सर जी आपका था डायरेक्ट वर्कर या फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय डायरेक्ट एम्प्लॉ कौन है जिसका काम दिखता है ज वर्क कैन बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है और जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है क्या करता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है रॉ मटीरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो डायरेक्ट वर्कर है डायरेक्ट वर्कर का कॉस्ट जाता कहां पर है प्राइम कॉस्ट में जाएगा ओके सर जी इनडायरेक्ट वर्कर वर्क कैनोट बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट ठीक है इनडायरेक्टली यूज इन प्रोडक्शन ठीक है और ये जाएगा कहां पे ओवर में सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के दो एग्जांपल बताए थे वो दो एग्जांपल बताइएगा सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन एक था रॉयल्टी और दूसरा था सब कॉन्ट्रेक्टिंग चार्जेस परफेक्ट है सर गुड तो डायरेक्ट एक्सपेंसिस भी कहां पर जाएगा सर प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसिस भी कहां पर जाएगा प्राइम कॉस्ट ओके सर जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है खर्चा लगा है लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा कहां पे सर ओवरहेड ठीक है अब लास्टली ये बताइए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पर जाएगा ओवरहेड ओवरहेड की तीन कैटेगरी कौन सी तीन कैटेगरी फैक्ट्री ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा होमवर्क दिया था क्या होमवर्क क्या था फैक्ट्री ओर के दस बार एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ओर के दस बार एग्जाम्पल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दस बार एग्जाम्पल आपको बताने थे आज डिस्कस करेंगे हम लोग एंड में ठीक है तो ओवर एड तीन कैटेगरी का फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है सर इसके बाद जबरदस्त पॉइंट हमने किया था सर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर क्या किया था बॉस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ओके सर बिहेवियर में आप मुझे बताइए तीन बिहेवियर है सर कौन से कौन से तीन बिहेवियर है सर एक आपका कॉस्ट वेरिएबल हो सकता है दूसरा फिक्स हो सकता है तीसरा सेमी वेरिएबल हो सकता है हा या ना अच्छा सर फिक्स पहले डिस्कस किया था फिक्स कॉस्ट क्या है फिक्स कॉस्ट इज अ फिक्स विल नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन तो वो फिक्स है सर वो रेड पेन से लिखा था हमने रेड पेन से इंपॉर्टेंट लाइन लिखा था वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या था फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम क्लासरूम का रेंट वेरिएबल है या फिक्स है फिक्स आर श्योर इंश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट फिक्स है सैलरी फिक्स है ओके तो सर जी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या देखा हमने वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन रिलेशनशिप कैसा है प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप या नो रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप है ओके 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 एंड सर जी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में वो रेड लाइन क्या था रेड लाइन इंपॉर्टेंट लाइन क्या था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम ठीक है सर एग्जाम्पल दो ना वेरिएबल कॉस्ट का मटीरियल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट है ठीक है बॉस इसके बाद आप मुझे बताएंगे सर सेमी वेरिएबल में क्या है बिहेवियर क्या है सेमी वेरिएबल का वेरिएबल भी है और फिक्स भी है सर उसका डायग्राम कुछ स्टूडेंट को इतना समझ में नहीं आया था मैं वापस वो डायग्राम बताता हूं कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन था उन्होंने मुझे बाद में पूछा सर वापस एक्सप्लेन कर देना वापस एक्सप्लेन करते हैं सर वो डायग्राम एक्स एक्सिस पे क्या लिया था आउटपुट एंड सर वाई एक्सिस पे क्या लिया था सर जी इज इट कॉस्ट लिया था सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दो बिहेवियर है कौन से दो बिहेवियर है वेरिएबल भी है और फिक्स भी है सर वेरिएबल ऑब्वियसली ओरिजिन से स्टार्ट होएगा सर बराबर है ना सर फिक्स कॉस्ट के बारे में ना हमने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था सर थोड़ा सा वो कुछ लेवल तक फिक्स है और बाद में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जाता है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था क्लासरूम में चार सौ का कैपेसिटी है क्लासरूम का उससे ज्यादा अगर स्टूडेंट आते हैं तो मेरा फिक्स कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा सर ठीक है तो अगर मैं टोटल कॉस्ट लेता हूं या सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेता हूं तो सर जी वो स्टार्ट होएगा यहां से जहां पे फिक्स कॉस्ट का इंटरसेक्शन था वहां से वो स्टार्ट हुआ था नाउ फ्रेंड्स <coughs> ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सर आप मुझे पांच मेथड्स के नाम बताइए कैसे बाइफरकेशन करें सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल में और फिक्स में पांच मेथड्स हमने देखा था जिनका फर्स्ट डे टेंशन मत लो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर दो लेक्चर हम लोग कर लेंगे वापस से ठीक है आज जो आगे सिखाऊंगा उतना आप अंडरस्टैंड कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं दो तीन लेक्चर आपको मिल जाएंगे यस सर तो सर पहला मेथड याद आ रहा है सर वो ग्राफिकल मेथड था दूसरा मेथड कौन सा था लेवल ऑफ एक्टिविटी तीसरा हाई लो पॉइंट मेथड सर फोर्थ वन लीस्ट स्क्वायर मेथड और लास्ट वन सर एक्सपर्ट अपॉइंट करो और बाइफर्केशन करो चलो ठीक है सर ग्राफिकल मेथड बताइए क्या था मुझे वो स्टेप चाहिए सर ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स क्या थे एक्स एक्सिस पे क्या लिया था एक्स एक्सिस आउटपुट वाई एक्सिस पे क्या लिया था सर कॉस्ट ओके सर जी इसके बाद हर एक आउटपुट के लिए पॉइंट्स प्लॉट किए उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया उसने एक्सिस को इंटरसेक्शन किया वो एक्सिस पे पे इंटरसेक्शन हुआ है वो क्या है आपका फिक्स कॉस्ट लाइन है और डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट बरोबर है हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा था और डायग्राम भी ड्रॉ किया था बरोबर है सर दूसरा मेथड बताइए क्या है सर जी अरे आंसर दो भाई लेवल ऑफ एक्टिविटी सर लेवल ऑफ एक्टिविटी को बाद में एक और नाम लिखा है हमने क्या नाम लिखा है पढ़ो पढ़ो जिनके पास नोट से पढ़ते रहो सर कंपैरिजन ऑफ पीरियड क्या था कंपैरिजन ऑफ पीरियड ओके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला बताइए अरे डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट लेकिन सर डिफरेंस इन कॉस्ट डिफरेंस इन आउटपुट जो लेना है वो लेना कौन सा है सर हाई लो लेना या कोई भी दो लेना है sure? yes. तो हाई लो पॉइंट मेथड में और इसमें डिफरेंस क्या है फॉर्मूला सेम है फॉर्मूला सेम है डिफरेंस इन कॉस्ट डिफरेंस इन आउटपुट लेकिन फिर लेवल कौन सा लेना है सर हाइएस्ट एंड लोएस्ट अपने एग्जाम्पल में हाइएस्ट कितना था हाइएस्ट इज इट थाउजेंड था आउटपुट और लोएस्ट कितना था टेन थाउजेंड नहीं 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 फिफ्टी थाउजेंड तो कॉस्ट थी सर चालीस हजार आउटपुट हाईएस्ट था और दस हजार आउटपुट आपका लोएस्ट था ओके 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 सर फोर्थ मेथड बताइए अरे आपने किया था ये सीपीटी में फाउंडेशन में किया था सर जी क्या था वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर ईयर वाई इज इक्वल टू अरे बोलो टोटल कॉस्ट एम इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अरे एक्स एक्सिस पे क्या लिया था आउटपुट सी फॉर कांस्टेंट यानी क्या था आपका फिक्स कॉस्ट तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ठीक है सर लास्ट मेथड है थियोरेटिकल मेथड था थियोरेटिकल मेथड क्या था एनालिटिकल uh, मेथड करना क्या है सर एक्सपर्ट को अपॉइंट कीजिए और एक्सपर्ट करेगा -variable में कितना कितना है और fixed portion कितना है और इसके बाद आप मुझे बताइए लिखा नहीं है ये अलग से लिखा नहीं है हमने सर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फंक्शन क्या है सर एक्सपेंसेस फैक्ट्री अरे हाय ना फैक्ट्री ओवर हेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड ठीक है और एक एक्स्ट्रा था सर इसमें एक्स्ट्रा कौन सा था सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये क्या है आपके फंक्शंस ठीक है मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला था प्रोडक्शन ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड आज डिस्कस करेंगे आगे ओके okay, सर जी कल के लेक्चर में अगला पार्ट हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी सर अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कंसेप्ट क्या था सर कंट्रोलेबिलिटी जो कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है उसको क्या बोलेंगे कंट्रोलेबल जो कंट्रोल नहीं हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे अनकंट्रोलेबल सर अब वो स्पेसिफिक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब लोग वो स्पेसिफिक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है यहां पे ध्यान देंगे कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल बाय एक्शन शबाश ऑ स्पेसिफिक कंसर्न मैनेजर एक्शन बाय स्पेसिफिक कंसर्न मैनेजर यह क्या है आपका कंट्रोलेबल है बट कॉस्ट विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय एन एक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक मैनेजर उसके लिए वो अनकंट्रोलेबल है बहुत ही खूंखार था मैंने एक एग्जाम्पल दिया था रॉ मटीरियल की कॉस्ट प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है क्योंकि वो वही काम करता है ना प्रोडक्शन में लेकिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट सेल्स मैनेजर के लिए कंट्रोलेबल है अनकंट्रोलेबल है रॉ मटेरियल की कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोलेबल है अनकंट्रोलेबल है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का कॉस्ट प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अनकंट्रोलेबल है वो क्या लेगा एक्शन इसमें तो कॉस्ट विच कैनॉट बी कंट्रोल बाय एक्शन और इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज अ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट लेकिन कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट सर हमें फोकस किस पे करना है अपना ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट कंट्रोल करो कॉस्ट रिडक्शन करो तो फोकस किस पे रहेगा कंट्रोलेबल कॉस्ट पे रहेगा या अनकंट्रोलेबल कॉस्ट पे रहेगा सर अनकंट्रोलेबल हो ही नहीं सकता कैसे कंट्रोल करे तो कंट्रोलेबल कॉस्ट पे फोकस रहेगा ठीक है सर नॉर्मेलिटी इफ यू रिमेंबर सर नॉर्मेलिटी के बेसिस पे दो पॉइंट थे कौन से दो पॉइंट थे सर एक कॉस्ट हो सकती है आपकी नॉर्मल दूसरा एबनॉर्मल सर जी मटीरियल लॉस बाय फायर लॉस बाय थे एबनॉर्मल है आर ए स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट आर यू श्योर एबनॉर्मल है मशीन ब्रेकडाउन एबनॉर्मल है ठीक है तो नॉर्मल कॉस्ट क्या है सर जी कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड फॉर गिवन क्या बात है पढ़ाई कर रहे फॉर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट क्या है फॉर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बट एबनॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट क्या है इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल कॉस्ट सर एबनॉर्मल कॉस्ट कस्टमर से रिकवर करेंगे क्या नहीं। अरे कल का एग्जाम्पल याद करो ना सर बंदर आ गया था मेरा लैपटॉप तोड़ दिया सर मेरा मोबाइल फोन तोड़ दिया उसने तो आप मुझे बताइएगा स्टूडेंट से रिकवर करूंगा बर्डन yes. no. तो मेरे पे रहेगा ना सर किसमें से लेस करना था याद आ रहा है सर yes. सर कहां पे ट्रांसफर करना है एबनॉर्मल लॉस सर आप भूल गए सर एबनॉर्मल लॉस शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर कुछ भी एबनॉर्मल रहने दो कुछ भी एबनॉर्मल मटेरियल एबनॉर्मल लॉस हुआ लेबर एबनॉर्मल लॉस हुआ ओवरहेड में एबनॉर्मल कॉस्ट लगाए सब कहां पे जाएगा सर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या नॉर्मल कॉस्ट कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं लेकिन एबनॉर्मल कॉस्ट आपको खुद को बेयर करना पड़ेगा क्लियर है बॉस तो नॉर्मेलिटी <clears throat> और एबनॉर्मलिटी का हमने कवर किया था यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है अब सर पहले मैं आपको बता देता हूं अगला पार्ट सर हेडिंग पढ़ो क्या है क्लासिफिकेशन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग सर जी थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट है ठीक है तो वहां पे वापिस एक बार रिवाइज करके दूंगा तो आज थोड़ा कम समझा तो भी टेंशन मत लीजिएगा सर लेकिन समझेगा मुझे पता है चलो पहला कॉस्ट चेक करो क्या है सर बोर्ड पे दिखा हुआ है पहला कॉस्ट क्या है आगे का पढ़ेंगे नहीं लिखना नहीं मैं लिखवा के देता हूं सब कुछ तो पहले पूरा कॉन्सल्टेशन के साथ सुनिएगा सर पहला कॉस्ट कौन सा है बस उतना ही पढ़ो आगे कुछ भी मत पढ़ना क्या बोला है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट सर व्हाट डू यू मीन बाय प्री डिटरमाइंड पहले ही कैलकुलेट किया है अच्छा अच्छा कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड इन एडवांस इज कॉल्ड एज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड इन एडवांस सर प्रोडक्शन करने से पहले या प्रोडक्शन करने के बाद में तो प्रोडक्शन करने से पहले ही जो कॉस्ट कैलकुलेट किया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग कॉस्ट चलो इसका यूज बताइए ना सर सिर्फ रट्टा नहीं मारना है का। है का यूज क्या वी नीड द कॉस्ट सॉरी सर हाँ Bank अच्छा बैंक से लोन लेना पड़ेगा यानी इसका मतलब मैं चेंज करता हूँ थोड़ा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन करने के लिए जो मटेरियल लगेगा लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा तो वो कितना रहेगा तो वो हमें पता चलेगा वेरी गुड और शाबाश क्या बोला इन्होंने इन्होंने बोला सर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने सर कैसे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए सर आपने कल ही मैंने बताया था सर सबसे पहले वी स्मार्ट में आपने क्या पूछा सर फैकल्टी तो पूछा ही रहेगा लेकिन उसके बाद में आपने क्या पूछा फीस पूछा है फीस हमने आपको ऐसे बोला क्या एक काम करो आप तो आज, आ जाइए फिर हम लोग देखते तीन महीना बैच चलेगा फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तीन महीने में कॉस्ट कितना लगा फिर हम उसमें प्रॉफिट एड करेंगे तो तीन महीने के बाद सेलिंग प्राइस बताएंगे चलेगा या नहीं चलेगा आप क्या अरे भाई अब भी बता ज्यादा मत पक्का बोर मत कर अभी प्राइस बता अदरवाइज में दूसरे क्लास बहुत है इधर तो मतलब क्या है हमने जो सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट किया है वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया रहेगा कुछ तो कॉस्ट का प्रेडिक्शन किया रहेगा रेंट इतना लगेगा इलेक्ट्रिसिटी इतना लगेगा नोट्स का खर्चा इतना लगेगा ऑफिस का इतना खर्चा लगेगा मार्केटिंग का इतना खर्चा लगेगा तो एडवांस में कैलकुलेट किया था ठीक है इसलिए उसको क्या बोला है प्रीडिटरमेंट कॉल सर जी सपोज आप कंस्ट्रक्शन uh, इंडस्ट्री में हो किसमें हो कंस्ट्रक्शन ठीक है एक रोड कंस्ट्रक्ट करना था या ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना था टेंडर नाम सुना है क्या? टेंडर टेंडर नहीं टेंडर यस सर क्या नाम सुना है आपने टेंडर सर जी आपको अगर रोड कंस्ट्रक्शन ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है तो टेंडर सबमिट करना पड़ता है अच्छा वो टेंडर सबमिट करते होगा आप क्या करते हो पहले रोड बनाते हो ब्रिज बनाते हो फिर कॉस्ट कैलकुलेट करते हो और फिर टेंडर सबमिट करते हो ऐसा होगा क्या पॉसिबल ही नहीं ना रिजेक्ट हो जाएगा ना भाई बनाने देगा कोई आपको ये ऐसा नहीं इसका मतलब आपको तब क्या लगेगा सर प्री डिटरमाइन कॉस्ट एडवांस में आपको कॉस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो फाइनली प्री डिटरमाइन कॉस्ट क्या है रट्टा नहीं प्री डिटरमाइन कॉस्ट कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड इन एडवांस बिफोर प्रोडक्शन प्रोडक्शन करने से पहले जो कॉस्ट लगा है प्रिडिक्ट किया है वो आपका प्री डिटरमाइन कॉस्ट है चलो वेरी गुड सर हाँ सर अपने को एक टॉपिक है सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन सा टॉपिक है तो सर एक कॉस्ट uh, दिया है वहां पे क्या नाम दिया है वो कॉस्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट पढ़ना नहीं सर प्लीज पढ़िएगा मत सर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज समझो आ जाएगा क्या लगता है सर स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है ओवरऑल ओवरऑल जो मार्केट में कॉस्ट चल रहा है नहीं वैसा नहीं है सर सर जी स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑल्सो अ डिटरमाइंड कॉस्ट क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑल्सो अ डिटरमाइंड कॉस्ट ठीक है फिर स्टैंडर्ड है क्या सर सर कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन नाम तो सुना है तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपने वर्कर को क्या बताना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्योंकि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ही नहीं पता है तो कैसे कंट्रोल करें से फॉर एग्जाम्पल टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे सर स्टैंडर्ड कॉस्ट फिर हम लोग क्या करेंगे बॉस एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड एडवांस में कैलकुलेट किया एक्चुअल खत्म होने के बाद कैलकुलेट किया फिर हम लोग कंपेयर करेंगे सर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट सर से फॉर एग्जांपल मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्ट लगना चाहिए था दस हजार एक्चुअल में कॉस्ट लग गया बारह हजार ये आपके लिए साइन कैसा है यानी पॉजिटिव साइन है या निगेटिव साइन है सर ऐसा मत देखो निगेटिव आंसर है यानी निगेटिव दस हजार खर्चा लगना चाहिए था खर्चा कितना लगा बारह हजार तो आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये फेवरेबल है या एडवर्स है क्यों एडवर्स है कॉस्ट अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट दो हजार रुपए से कम हो गया तो ये एनालिसिस आप कब कर सकते हो जब आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है तो तो सर जी हर एक वर्कर को हर एक वर्कर को हर एक डिपार्टमेंट को पहले स्टैंडर्ड बोला जाएगा आपको प्रोडक्शन करने के लिए इतना कॉस्ट लगना है मटेरियल इतना लगना है लेबर इतना लगना है ओवरहेड इतना लगना है उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए तो ये था आपका स्टैंडर्ड सर स्टैंडर्ड कॉस्ट में स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड उसके बाद क्या किया एक्चुअल दोनों का क्या किया कंपेरिजन दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग वराय्स डिफरेंस को क्या बोलेंगे वराय फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी हो सकता है वराइंस ठीक है तो स्टैंडर्ड इज ऑल्सो अ प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट ठीक है सर अगला एक टॉपिक है अपने को रे सर अगला टॉपिक कौन सा अपना मार्जिनल कॉस्ट ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इज ध्यान से सुना आपको पता ही ये मार्जिनल कॉस्ट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हां टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट वापिस एक बार रिपीट कीजिए क्या बोला मार्जिनल कॉस्ट क्या है एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट कैन यू से दैट मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट ओ माय गॉड सर 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 बहुत जबरदस्त लाइन बोला मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो मार्जिनल कॉस्ट है तो मैं अब दूसरा लाइन बोला क्या मार्जिनल कॉस्ट ही आपका वेरिएबल कॉस्ट है क्या आंसर इज यस आंसर इज यस एग्जाम्पल के लिए क्लासरूम का रेंट दो लाख रुपए है अभी सौ स्टूडेंट बैठा है कितना रेंट जाएगा दो लाख ही जाएगा ना दो सौ स्टूडेंट आता है कितना रेंट जाएगा दो लाख ही जाएगा बढ़ रहा है या नहीं हो रहा है नहीं ओके okay. सर लेकिन एक स्टूडेंट का नोट्स का खर्चा पाँच सौ रुपए है एक स्टूडेंट के नोट्स का खर्चा कितना है पाँच सो तो सौ स्टूडेंट का नोट्स का खर्चा कितना आएगा करो ना कैलकुलेशन अरे हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फाइव हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड आया ना हाया ना अच्छा फिफ्टी थाउजेंड आता है सर एक सौ एक स्टूडेंट आता है इनका एक दोस्त आ जाए सर एक्स्ट्रा अगले दिन इनका एक दोस्त एक्स्ट्रा आ गया अब मुझे नोट्स कितना देना पड़ेगा हंड्रेड नोट्स जाएगा या 101 नोट्स जाएगा? एक सौ एक नोट जाएगा तो नोट्स का खर्चा कितना आएगा पचास हजार पांच सौ तो एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता है मेरा कॉस्ट पचास हजार से कितना हो गया पचास हजार पांच सौ वो तो पांच सौ रुपए क्या है वेरिएबल कॉस्ट है पांच सौ रुपये क्या है वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन तो वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट योर मार्जिनल कॉस्ट ठीक है सर हाँ मैम हा मैम हा हा फिफ्टी वन थाउजेंड आएगा हा हा फाइव हंड्रेड से ही बढ़ते जाएगा मैम मैम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम टोटल सेम आया मैम फिक्स कॉस्ट का क्या रिलेशन था फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम पचास हजार पचास हजार पचास हजार पचास हजार हर लेवल पे पचास हजार लगता था तो वो फिक्स कॉस्ट है लेकिन पचास हजार का पचास पांच सौ हुआ फिफ्टी वन थाउजेंड हुआ फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड हुआ चेंज हो रहा है ना तो वो वेरिएबल कॉस्ट है ओके okay. इतना लिख लेते हैं फिर आगे डिस्कशन करते हेडिंग दीजिएगा सर ये सर हेडिंग दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग सर uh, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है जो आगे सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूं आप पिछले चार अटेम्प का पेपर देख लीजिएगा सर पिछले चार अटेम्प का एक पेपर देख लीजिएगा सर ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं आगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एलेमेन ओ पी क्यू चार में से दो अटैम्प में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है तो आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है रेडउंड Classification cost on the basis of managerial decision making. First one predetermined cost. यस सर पहला लाइन आपने लिखा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इट इज अ कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड इन एडवांस इट इज अ कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड इन एडवांस दैट इज बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन सेकेंड पॉइंट लिखेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट इट इज अ पार्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इट इज अ पार्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट

we will first calculate standard cost we will first calculate a standard cost then we will calculate actual cost then we will calculate actual cost ac then we will calculate actual cost

Difference will be treated as variance. <coughs> variance will be of two types. Variance will be of two types. Favorable variance and adverse variance. Favorable variance and adverse variance. Favorable variance and adverse variance. And we will take decisions. Last line, usme, we will take decisions. We will take decisions.

सर क्या लिखा है हाँ मटेरियल प्राइस वराइंस क्या नाम है सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखेंगे आगे बस मुझे देखना है आप कितना सोच सकते हो मटेरियल प्राइस वराइंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस यस सर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस दस हजार एक्चुअल क्वांटिटी है स्टैंडर्ड प्राइस था दस रुपए एक्चुअल प्राइस था बारह रुपए वरायस कितना आएगा डिफरेंस कितना आएगा सर दस रुपए लगना चाहिए था वो परचेस मैनेजर ने बारह रुपए में पे किया दो रुपए एक्स्ट्रा पे किया सर टोटल कॉस्ट कितना, कितना आया वरायस कितना है इज इट बीस हजार आया सर डोंट यूज द वर्ड निगेटिव सर जी फेवरेबल या एडवर्स बीस हजार फेवरेबल आया या बीस हजार एडवर्स आया yeah. सर ऑब्वियसली एडवर्स आया ना तो यू आर अ टॉप मैनेजमेंट आप टॉप मैनेजर हो कंपनी के आपके सामने ये डेटा आया है कि सर जी मटेरियल प्राइस वर्स एडवर्स से बीस हजार आप क्या एक्शंस लेंगे बीस से प्रॉफिट कम हो गया सर आपका इन फ्यूचर में आप क्या एक्शन लेंगे सर चलो ये बताइए सर वन बाय वन क्या एक्शन लेंगे सर बीस हजार से खर्चा बढ़ गया है सर आपका मटेरियल की प्राइस बीस हजार ज्यादा पे की है एक्शन क्या लेंगे वन बाय वन किसी को आंसर आ रहा है हाथ ऊपर करके बताइएगा यस सर इन्होंने बोला थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेस करेंगे सो दैट इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाए क्या है इकोनॉमी ऑफ स्केल बेनिफिट ऑफ मास प्रोडक्शन क्या है बेनिफिट ऑफ मास प्रोडक्शन थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा चलो ठीक है और यस yes, मैम ओके okay, प्रोडक्शन का कॉस्ट कंट्रोल करेंगे बिकॉज ट्वेंटी थाउजेंड से कॉस्ट हमारा बढ़ा हुआ है तो सर हम लोग प्रोडक्शन की कॉस्ट बीस हजार से कम करने की कोशिश करेंगे ओके okay, और एक मिनट सेलिंग प्राइस क्या बोला सेलिंग प्राइस बढ़ा दो क्योंकि बीस हजार से क्या हो रहा है सर हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट में पॉसिबल है क्या सेलिंग प्राइस बढ़ाना नहीं हो सकता है लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं है ओके okay, और क्या है नहीं क्वांटिटी इज नॉट अ इश्यू क्वांटिटी इश्यू नहीं है प्राइस ज्यादा पे किया ये इश्यू है और क्या डिसीजन लेंगे नहीं ना प्रोडक्शन कैसे कम करेंगे डिमांड है भाई यस मैम परफेक्ट आंसर दिया एकदम परफेक्ट आंसर क्यों ना कोई सब्सटीट्यूट मटेरियल ढूंढे जो दस रुपए में मिलता है अरे है ना सस्ता मटेरियल मस्त टिकाऊ मटेरियल सस्ता मिलता है दस रुपए में यूज कर लेंगे वेरी गुड परफेक्ट आंसर है और नहीं क्वांटिटी इज नॉट एन इशू क्वांटिटी इशू ही नहीं है प्राइस ज्यादा हुआ है इधर कोई तो भी आंसर दे रहा था बराबर आंसर था सर सप्लायर चेंज कर दो ना ए भाई दे रहा है क्या दस रुपए में नहीं चल ठीक है मैं दूसरा सप्लायर ढूंढता हूं हो सकता है नहीं हो सकता है। तो सर देखो ये स्टैंडर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है कितने डिसीजन आपने मुझे बता दिया आपने बोला सर सब्सटीट्यूट मटेरियल यूज करो सर दूसरा वेंडर देखो सर बल्क क्वांटिटी में परचेस करो ठीक है तो ये किसके बेसिस पे होगा स्टैंडर्ड के बेसिस पे इन फ्यूचर आप आपकी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो डिसीजन लेके चलिए तो दो पॉइंट हमने कवर किए आगे लिखिएगा सर मार्जिनल कॉस्ट फास्ट नेक्स्ट लाइन मार्जिनल कॉस्ट इट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड इट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकरू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकरू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट लिखो रेड पेन्सिल लिखो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट चलिए सर आपका भी एक टेस्ट है अगला क्या है चेक करो सर डी पॉइंट क्या है एस कॉस्ट कुछ लोग कंफ्यूज होंगे सर प्री प्रीडिटरमाइन कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ये सब फ्यूचर ही है ना सर फिर डिफरेंस क्या है मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सब लोग आंसर करेंगे एवरीवन प्लीज आंसर ट्राई कीजिएगा सर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मटेरियल कॉस्ट लगता है दस रुपए पर यूनिट लेबर कॉस्ट लग रहा है सर जी फाइव रुपीज पर यूनिट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको लग रहा है फिफ्टीन रुपीज पर यूनिट वेरिएबल फैक्ट्री ओवर से दस रुपए पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड है एक लाख रुपए कंपनी ने डिसाइड किया दस हजार यूनिट मैन्युफैक्चर करना या बीस हजार यूनिट मैन्युफैक्चर करना या तीस हजार यूनिट मैन्युफैक्चर करना आप मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके बताइए आए नो मैंने आपको अभी तक तो कुछ कॉस्टशीट के बारे में कुछ बोला नहीं है बस इतना सिंपल डेटा आपके सामने है एक रफली कैलकुलेट करके बताइएगा सर अगर कंपनी को दस हजार यूनिट मैन्युफैक्चर करना है तो कॉस्ट कितना लगेगा यस सर एवरी वन प्लीज ट्राई अगर कंपनी को दस हजार यूनिट मैन्युफैक्चर करना है तो कॉस्ट कितना लगेगा सर मटेरियल कितना लिखू अरे दस हजार के लिए मटेरियल कितना लगेगा सर इज इट एक लाख अच्छा टोटल पांच लाख बता रहे हो आप सर लेबर कितना लगेगा लेबर अच्छा लेबर आप बता रहे हो फिफ्टी थाउजेंड सर जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लगेगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड सर बराबर है क्या वेरिएबल फैक्ट्री ओवर कितना लगेगा सर इज इट एक लाख और सर जी फिक्स फैक्ट्री ओवर कितना लगेगा इज इट एक लाख तो टोटल कितना बताया सर आपने मुझे लेकिन अगर कंपनी को बीस हजार मैन्युफैक्चर करना है तो बीस हजार मैन्युफैक्चर करना है सर एक मिनट है बीस हजार मैन्युफैक्चर करना है तो दस लाख लगना चाहिए ना दस लाख लगना चाहिए ना अरे पांच लाख इंटू टू करो ना बॉस? हा या ना क्यों सर हर एक कॉस्ट का बिहेवियर अलग अलग है कुछ चेंज होगा कुछ चेंज नहीं होगा ठीक है सर तो बीस हजार के लिए मटेरियल कितना लगेगा इसे दो लाख लेबर एक लाख लगेगा इसके बाद सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है सर जी तीन लाख वेरिएबल ओवर कितना है सर जी दो लाख लेकिन फिक्स ओवर अभी भी कितना लगेगा एक लाख सर टोटल कितना आया जो आपने कैलकुलेट किया ना सर वो एस्टिमेटेड कॉस्ट था जो आपने मुझे बताया वो क्या है एस्टिमेटेड कॉस्ट है अब पढ़ो सर दिमाग में फिट हो जाएगा आपके क्या है एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में वर्डिंग चेक करो कोलर ये उनका नाम है एस्टिमेटेड कॉस्ट एज अ एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन ऑफन इन टर्म्स ऑफ ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन एडवांस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और परचेसेस वापिस एक बार बताइए एकदम सिंपल पढ़ो वापिस क्या है एक्सपेक्टेड कॉस्ट लेकिन किसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट अरे एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना प्रोडक्शन करना है उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ठीक है सर स्टैंडर्ड uh, कॉस्ट में और एक्सपेक्टेड कॉस्ट में डिफरेंस क्या है अब पॉइंट पे आते हैं सर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे और एस्टिमेटेड कॉस्ट में डिफरेंस क्या है सर एस्टिमेटेड कॉस्ट एक यूनिट के लिए नहीं है जितना आपने एस्टिमेशन किया दस हजार बीस हजार पच्चीस हजार उसके लिए लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट जनरली एक यूनिट के लिए रहता है हाँ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अ टोटल फ्यूचर कॉस्ट मुझे अगर दस हजार प्रोड्यूस है तो कितना कॉस्ट लगेगा वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है लेकिन एक यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कौन सा कौन सा कॉस्ट लगेगा वो क्या है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट सर 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 एक सेकंड कैन यू से दैट ये जो बॉक्स मैंने किया वो स्टैंडर्ड है वो फिक्स कॉस्ट भूल जाओ सर फिक्स कॉस्ट अभी कंसिडर मत करो मटेरियल इतना लगना चाहिए लेबर इतना लगना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल ओर इतना लगना चाहिए क्या ये एक यूनिट के लिए दिया हुआ है तो जनरली स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके लिए रहता है एक यूनिट के लिए लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट किसके लिए रहता है मैडम फिक्स कॉस्ट का क्या रहता है फिक्स कॉस्ट जनरली पर यूनिट नहीं लेते हैं फिक्स कॉस्ट इन टोटल कंसिडर करते हैं तो इसलिए फिलहाल आप फिक्स कॉस्ट का कंसिडर मत कीजिए क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं ना एक ही यूनिट होगा ठीक है क्योंकि सौ भी हो सकता है हजार भी हो सकता है पांच हजार भी हो सकता है तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट कंसिडर ही नहीं किया है तो पर यूनिट के लिए जनरली क्या रहता है स्टैंडर्ड लेकिन सर टोटल अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो है एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखो सर सर प्री डिटरमाइंट कॉस्ट दोनों के लिए लगेगा अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने प्री डिटरमेंट कॉस्ट दोनों के लिए लगेगा स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है तो भी प्री डिटरमाइंट लगेगा और एस्टिमेटेड कैलकुलेट करना है तो भी प्री डिटरमाइंट एडवांस में कर रहे हैं ना आप सब कुछ देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट सर थोड़ा थोड़ा समझा तो भी बहुत है मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट है आगे बहुत डिटेल में होएगा अभी जस्ट पहले टॉपिक का रिलेवेंस था इसलिए कवर कर रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में देखेंगे यस yes, सर तो आपने लिखा एस्टिमेटेड कॉस्ट डाउन इट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑब्लिक परचेस इट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और परचेस For expected level of production, for expected level of production, for expected level of production or acquisition of material, or acquisition of material, or acquisition of material. एक्झाम्पल टोटल कॉस्ट फॉर टेन थाउजंड युनिट्स ऑब्लिक ट्वेंटी थाउजंड युनिट्स एक्सेट्रा टोटल कॉस्ट फॉर टेन थाउजंड युनिट्स ऑब्लिक ट्वेंटी थाउजंड युनिट्स टोटल कॉस्ट फॉर टेन थाउजेंड यूनिट्स एंड पब्लिक ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स सर कौन से कौन से कॉस्ट कवर किए मुझे चाहिए आंसर सर पहला कौन सा कवर किया सर प्री डिटरमाइन का मतलब क्या है एडवांस सर दूसरा क्या लिया स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या है सर जी वो भी प्री डिटरमाइंड है लेकिन जनरली पर यूनिट रहता है सर तीसरा क्या किया मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है वो मार्जिनल कॉस्ट है कैन यू से दैट मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट और सर लास्ट क्या दिखा एस्टिमेटेड कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट फॉर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट दस हजार बीस हजार पच्चीस हजार के लिए जो टोटल कॉस्ट आएगा वो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा चलो ठीक है ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं था अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है अगला चेक करो क्या है सर जी अगला चेक करो क्या है सर जी डिफरेंशियल कॉस्ट सर ध्यान दें यहां पे अभी अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है सर डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है सर जी डिफरेंशियल कॉस्ट ठीक है सर आपको दस हजार यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करना है सर ध्यान से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट दस हजार यूनिट करना है आपके पास दो ऑप्शन है एक है सेमी ऑटोमैटिक मशीन से मैन्युफैक्चर करो और दूसरा फुल ऑटोमैटिक मशीन से मैन्युफैक्चर करो ये सर पहला ऑप्शन क्या है आंसर दो सर एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें लेबर भी लगता है और मशीन भी लगता है और दूसरा क्या है सर जी फुल्ली ऑटोमेटिक लेबर नहीं लगता है ठीक है दस हजार यूनिट प्रोड्यूस करना है सेमी ऑटोमेटिक मशीन का फिक्स कॉस्ट एक लाख रुपए है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का फिक्स कॉस्ट है दो लाख रुपए सेमी ऑटोमेटिक मशीन का वेरिएबल कॉस्ट है बारह रुपए पर यूनिट फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का वेरिएबल कॉस्ट है एट रुपीज या फिर एट के जगह पे काम करता हूं फाइव रुपीज पर यूनिट सर वापस एक बार मैन्युफैक्चर करना दस हजार यूनिट दो ऑप्शन है दो ऑप्शन में से पहला क्या है सर जी सेमी ऑटोमेटिक मशीन से मैन्युफैक्चर करो और दूसरा ऑप्शन क्या है ऑटोमेटिक मशीन से मैन्युफैक्चर करो सर अब आप मुझे बताएंगे दस हजार यूनिट के लिए सेमी ऑटोमेटिक का टोटल कॉस्ट कितना और ऑटोमेटिक का टोटल कॉस्ट कितना अगर मुझे दस यूनिट मैन्युफैक्चर करने है तो टोटल कॉस्ट कितना sir, आ, आएगा सर जी एक लाख रुपए फिक्स कॉस्ट आएगा अरे हाय ना और वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा बारह रुपए मल्टीप्लाइड बाय दस हजार यानी इज इट एक लाख बीस हजार सर मुझे टोटल कॉस्ट कितना आया दो लाख बीस हजार सर सेकेंड केस में फुल्ली ऑटोमेटिक का बताइए सर फुल्ली ऑटोमेटिक का सर जी फिक्स कॉस्ट तो दो लाख लग गया और सर जी पांच रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा सर इज इट फिफ्टी थाउजेंड लगा मालिक टोटल कॉस्ट कितना लगा टू लैख मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है क्यों आंसर नहीं दे रहे मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक क्यों सर कॉस्ट कम लग रहा है आर यू श्योर कितने से कॉस्ट कम लगा सर दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना था मालिक थर्टी थाउजेंड डिफरेंस था अरे हा या ना थर्टी थाउजेंड इज अ डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है थर्टी थाउजेंड इज अ अब कंसेप्ट बताता हूं सर एग्जाम्पल समझा ना अब आपको वो पैराग्राफ समझेगा डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव एकदम सिंपल डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव तो सर डिफरेंशियल कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है सर चैंपियन स्टूडेंट आंसर देगा सर डिफरेंशियल कॉस्ट में डिफरेंशियल कॉस्ट मैंने बोला कि सर डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव और मार्जिनल कॉस्ट में बोला एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है वो मार्जिनल कॉस्ट है हाथ ऊपर करके आंसर देंगे डिफरेंस क्या है मार्जिनल कॉस्ट में एंड डिफरेंशियल कॉस्ट में यस yes, सर शाबाश परफेक्ट आंसर डिफरेंशियल कॉस्ट में डिफरेंस किसका किसका लिया सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का लिया या वेरिएबल और फिक्स दोनों का लिया अरे इधर देखो ना आपने डिफरेंस किसका लिया है वेरिएबल एंड फिक्स दोनों का लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में किसका डिफरेंस लेते हैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है सर कॉस्ट का डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिव मेथड जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी रहता है और फिक्स कॉस्ट भी रहता है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है सर एग्जाम्पल समझा क्या तो ही समझता है अदरवाइज ये बहुत ही ओवरहेड हेड कंसेप्ट था चलो राइट डाउन एग्जाम्पल लिखना है लिखेंगे ना पहले डेफिनेशन लिखते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं फिर राइट डाउन डिफरेंशियल कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट हेडिंग दीजिएगा लिखिए आगे differential cost is difference in cost differential cost is difference in cost between between two option between two option two levels of activity two options टू लेवल्स ऑफ एक्टिविटी क्या लिखा आपने टू लेवल्स ऑफ एक्टिविटी नेक्स्ट लाइन डाउन आगे आप लिखिएगा डिफरेंशियल कॉस्ट कंसिडर्स Differential cost considers difference in total cost. Differential cost considers difference in total cost that is variable cost as well as fixed cost. That is variable cost as well as fixed cost. सर कंप्लीटेड एग्जाम्पल एवरीवन प्लीज राइट ऑन एग्जाम्पल कंप्लीटेड yes, एग्जाम्पल लिखा वो दस हजार का क्या लिखा लेकिन अरे दस हजार का क्या लिखा एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखा ना चलिए, सो आई होप क्लियर है आगे पढ़िए सर अगला पॉइंट पढ़ो जल्दी क्या दिया है पता है सर आपको ये कंसेप्ट पढ़िएगा ना क्या है इंप्रूडेड कॉस्ट क्या है पढ़ो 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 जल्दी टोटल कॉस्ट दिस कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले यस सर नहीं समझा सर क्या है इम्पुटेड कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटलेन दे यहाँ पे सर आपका पुणे में बैच ले रहा हूं देन दो यहाँ पे सर आपका पुणे में बैच ले रहा हूं तो मैंने मेरा नासिक का जो बैच था या मेरा जो मुंबई का जो बैच है वो मैं नहीं ले रहा हूं आपका बैच लेने के लिए ठीक है फाइनल का बैच तो मुंबई में ले रहा हूं लेकिन इंटरमीडिएट का बैच मैंने सेक्रीफाइस कर दिया पुणे के स्टूडेंट का बैच लेने के लिए तो मुझे इधर जो इनकम होता था वो अब नहीं होएगा सर क्योंकि मैं वहां पे लाइव बैच नहीं ले रहा हूं तो सपोज मेरा वहां पे पांच लाख रुपए का नुकसान हो गया मुझे इतना फीस वगैरह मिलता था पांच लाख रुपए का वो नुकसान हो गया ये जो पांच लाख रुपए है क्या ये एक्चुअल में नुकसान हुआ है या ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ है तो ऐसा होता था तो मैं वहां पे बैच लेता तो मुझे पांच लाख रुपए का इनकम आता था तो ये था आपका इंप्यूटेड कॉस्ट सर कुछ कैश आउटले हुआ क्या मेरा पांच लाख रुपए खर्चा हुआ है क्या नहीं मेरा जस्ट ये क्या हुआ है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ है ठीक है राइट ऑन इंप्यूटेड कॉस्ट

it is a part of opportunity cost it is a part of opportunity cost yes sir sir agla फटाफट sir kya hai agla cost capitalized कॉस्ट ओके ओके सर रिकॉर्डिंग का सिस्टम परचेस किया लैपटॉप परचेस किया प्रोजेक्टर परचेस किया प्रोजेक्टर का स्क्रीन परचेस किया ये कैमरा परचेस किया एसी परचेस किया ये क्या है सर इन्वेस्टमेंट है ना बॉस अपने अकाउंटिंग सेंस में ये क्या है इन्वेस्टमेंट है

कैपिटलाइज कॉस्ट पढ़ो क्या लिखा है दिस कॉस्ट विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंस बाद में इसका क्या देने वाले एवरी ईयर डेप्रिसिएशन देंगे तो इनिशियली रिकॉर्ड करते वक्त कैपिटलाइज किया एसेट है और बाद में एज एक्सपेंसिस उसको ट्रीट कर रहे प्लीज राइट ऑन इनिशियली अच्छा डिफरेंस बिटवीन इंप्यूटेड कॉस्ट एंड कैपिटलाइज कॉस्ट नहीं इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ मैम इंप्यूटेड कॉस्ट यानी ये लगा ही नहीं कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व इसमीजिए कैश आउटले ठीक है अब सपोज और एक एग्जांपल देता हूं मैम क्लासरूम है वी स्मार्ट का क्लासरूम है विशाल भट्टर सर का ओल्ड क्लासरूम है ठीक है ये अकेडमी के लिए यूज किया बरोबर ना आप यहां पे बैठे हो क्लास चल रहा है ठीक है लेकिन यही अगर किसी और सी एस के क्लासेस को रेंट पे देना था तो विशाल सर इधर पांच लाख रुपए पर मंथ रेंट ले सकते थे लेकिन वो रेंट ले रहे क्या आंसर इज नो क्योंकि उन्होंने उनका एकेडमी चलाया यहाँ पे तो यहाँ पे उनका एकेडमी चलाने की वजह से उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट किया क्या ये किसी और को रेंट पे दे सकते थे तो पांच लाख रुपए जो मिल सकता था वो मिला नहीं है तो इधर कुछ कैश आउटले नहीं हुआ है लेकिन जब हम लोगों ने ये इक्विपमेंट परचेस किया था तब तो हमारा कैश आउटले गया है तो इंप्यूटेड कॉस्ट में कैश आउटले नहीं है लेकिन ये जो कैपिटलाइज कॉस्ट है इसमें परचेस करते वक्त हमें कॉस्ट लगा है बाद में उसको एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं क्लियर है कंफर्म आएगा आएगा आगे है ना मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आगे आएगा बताता हूं क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है डोंट वरी सब बताऊंगा पहले कैपिटलाइज कॉस्ट लिखते हैं राइट डाउन इनिशियली क्या लिखा सर हमने इनिशियली दिस कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एज एसेट इनिशियली दिस कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एज एसेट बट सब्सिक्वेंटली treated as expenses but subsequently treated as expenses example example machinery purchased equipment purchased depreciation sorry sorry equipment purchase furniture or at the time of purchase or at the time of purchase treated as assets and then every year and then every year some portion and then every year some portion will be treated as

अगला कंसेप्ट क्या है सर जी प्रोडक्ट कॉस्ट ठीक है यहां पे ध्यान दीजिएगा सर प्रोडक्ट कॉस्ट याद ध्यान दीजिए स्टाइल पेन है मेटल लगा है बराबर है मेटल है प्लास्टिक है इसमें चिप है इसमें सेल है बैटरी है ठीक है इसको ऐसे मोल्डिंग वगैरह किया हुआ है डिजाइनिंग वगैरह किया हुआ है ठीक है तो कैन यू से दैट मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट वापिस एक बार कैन यू से मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट तो एकदम सिंपल पॉइंट ये है प्रोडक्शन करने तक जो कॉस्ट लगा है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन करने के बाद जो कॉस्ट लगा है वो पीरियड कॉस्ट है सर ध्यान से सुना है बहुत जबरदस्त पॉइंट है प्रोडक्शन करने तक जो कॉस्ट लगा है वो कौन सा है प्रोडक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट है लेकिन एक बार प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद जो कॉस्ट लगता है क्योंकि प्रोडक्शन खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन होता है सर सिक्वेंस क्या है एक मिनट सिक्वेंस क्या है पहले रॉ मेटेरियल आएगा लेबर आएगा प्रोडक्शन होगा फिर ऑफिस में जाके उसका एंट्री होगा है हाँ ना रिकॉर्डिंग वगैरह होगा अकाउंटिंग होगा उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा तो याद रखना पहले प्रोडक्शन होता है फिर एडमिनिस्ट्रेशन होता है फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्रोडक्शन तक जो कॉस्ट लगा है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन के बाद जो कॉस्ट लगा है वो पीरियड कॉस्ट है याद रहेगा ठीक है राइट डाउन product cost cost which is incurred up to the point of production cost which is incurred up to the point of production is called as a product cost is called as a product cost Is called as a product cost. General advertisement, sorry, general administration, general administration, selling and distribution will be treated as a period cost, will be treated as पीरियड कॉस्ट सर एक और कंसेप्ट आता है वापिस से अगला कंसेप्ट चेक करो कौन सा है सर सर अगला कंसेप्ट क्या है चेक करो सर इज इट अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर थोड़ी देर पहले ही सुना ये वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां पे आया था सब लोग आंसर नहीं दे रहे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आया था कॉस्ट कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे इमीजिएटली कैश आउटले नहीं हुआ है सर आपके स्टडी मटेरियल में मार्जिनल कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे है सी फाइनल का था इंटरमीडिएट में एड किया हुआ ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट सर ध्यान दे सर क्लासरूम एज आई टोल्ड यू वी स्मार्ट एकेडमी का खुद का क्लासरूम है ओन बाय विशाल बटर सर सर इनके पास अभी ऑप्शन है ये क्लासरूम में क्या करें तो सबसे पहले वी स्मार्ट एकेडमी रन करें। दूसरा एक सीएस सीएस के क्लासेस वाले को रेंट पे दे दे तीसरा एक प्रिंटर है यह ये बिल्डिंग में आपने काफी सारा देखा रहेगा प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा ऑफिस है तो एक प्रिंटर को वो रेंट पे दे सकते थे सर सी एस वाला रेंट दे सकता था तीन लाख रुपए पर मंथ क्योंकि रेडी सेटअप है बेंचेस है प्रोजेक्टर है सब कुछ है तो तीन लाख रुपए पर मंथ दे सकता था लेकिन ये जो प्रिंटर है प्रिंटिंग प्रेस है उसको बेंचेस का प्रोजेक्टर का कोई यूज नहीं था तो वो दो लाख रुपए पर मंथ देने के लिए रेडी है तो सोच समझ के आंसर देना अगर वी स्मार्ट एकेडमी ने उनके खुद के क्लासरूम में उनका खुद का क्लास रन किया तो अपॉर्चुनिटी लूज हुआ क्या अपॉर्चुनिटी लूज हुआ सर कितने का अपॉर्चुनिटी लूज हुआ तीन लाख प्लस दो लाख आएगा तीन लाख आएगा या दो लाख आएगा क्या है सर अरे सर खुद का क्लास रन कर रहे हैं किसी और को रेंट पे नहीं दिया तो अपॉर्चुनिटी लॉस कितना आ रहा है तीन लाख आ रहा है दो लाख आ रहा है पांच लाख आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है तीन लाख आया पांच लाख क्यों नहीं या तो प्रिंटर या तो सीएस वाला दोनों एक साथ होएंगे क्या सर पॉसिबल नहीं है तो आपने एकदम परफेक्ट एनालाइज किया ध्यान से सुनना वर्ड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज रिलेवेंट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज रिलेवेंट नेक्स्ट बेस्ट क्या था सर तीन लाख बेस्ट है या दो लाख बेस्ट है yeah. तीन लाख बेस्ट है तो अपॉर्चुनिटी लॉस में भी कैश का आउटफ्लो नहीं होता है ये कर सकते थे हो सकता था अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया ये इट इज कॉल्ड एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है ना इंप्यूटेड कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों एक ही बा, बात है सर वहां पे लिखा है ना सर इंप्यूटेड कॉस्ट इट इज अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली हाँ सर जी यानी वही कंसेप्ट है इंप्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ही कंसेप्ट है सर तो उसमें ऐसे डिफरेंस नहीं है दिस इज एक तो आप इंप्यूटेड वर्ड यूज करो या आप अपॉर्चुनिटी लॉस कंसेप्ट यूज करो तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है आज सच यस प्लीज राइट डाउन

सर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया देखो ये आपको समझ में आता है ये लोग बोलते हैं आपने आपके बिजनेस में एक लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है कितने का इन्वेस्टमेंट किया लाख तो रुपए आप अगर एफडी करते थे एफडी का मतलब हाँ अगर एक लाख रुपए का एफडी करते थे तो सर बारह टके का इंटरेस्ट मिलता था यानी कितने पैसे मिल सकते थे आपको बारह हजार सर मिले क्या तो आपने सिर्फ क्या किया है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट किया है ये पैसा अगर आप बिजनेस में नहीं लगाते थे अगर एफ डी करते थे तो बारह हजार का इनकम हो सकता था पॉसिबल था हुआ नहीं है इसलिए यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सर अब आप बोल रहे हो कि इंप्यूटेड कॉस्ट में और डिफरेंस क्या है इंप्यूटेड कॉस्ट क्या है चेक करो सर वापिस पढ़ो ना सर क्या है कॉस्ट आर नॉशनल कॉस्ट वीच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले और सर आगे पढ़ो लास्ट पैराग्राफ दीज कॉस्ट आर सिमिलर टू तो मैंने बोला आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट सेम ही सिमिलर बोला है इट इज अ सिमिलरिटी है दोनों में ठीक है वापिस एक कंसेप्ट का आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट अब नाम ही बता देगा सर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट यानी क्या फास्ट आंसर देते रहेगा सर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब क्या है सर जी सर जिसमें कैश आउटफ्लो होएगा मटेरियल परचेस करने गए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है ना लेबर को पेमेंट किया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है चलिए राइट डाउन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट It is that portion of total cost which involve immediate cash outflow. Which involve immediate cash outflow. Payment for material, labor, lico, payment for material, labor, expenses payment for material labor expenses is is out of pocket cost is out of pocket cost ha sir गॉड कौन कौन से -कौन से कवर किए बहुत सारे कंसेप्ट हो गए सर आज पहला क्या कवर किया प्री डिटरमेंट कॉस्ट एडवांस था कवर किया स्टैंडर्ड कॉस्ट सर जी एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमेंट कॉस्ट पर यूनिट रहता है स्टैंडर्ड तीसरा क्या था मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है वो मार्जिनल कॉस्ट है आगे क्या देखा सर जी एस्टिमेटेड कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है फिर आगे क्या कवर किया डिफरेंशियल कॉस्ट दो ऑप्शन के बीच में जो डिफरेंस है इस कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल कॉस्ट लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस लेते हैं वेरिएबल और फिक्स दोनों का डिफरेंस लेते हैं वेरिएबल और फिक्स दोनों का डिफरेंस लेते हैं इसके बाद क्या कवर किया सर कौन सा इंप्यूटेड कॉस्ट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इमीजिएट कैश आउटफ्लो नहीं होता है अच्छा नेक्स्ट वन कैपिटल इनिशियली जब इनकर होता है तो वो क्या है सर जी एसेट और बाद में क्या ट्रीट करते हैं एक्सपेंडिचर उसके बाद क्या कवर किया प्रोडक्ट कॉस्ट सर प्रोडक्शन तक जो कॉस्ट लगा है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन के बाद जो कॉस्ट लगा है वो पीरियड कॉस्ट है सर नेक्स्ट वन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर एक ऑप्शन सिलेक्ट करने की वजह से जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन आपने रिजेक्ट कर दिया उधर जो इनकम हो सकता था वो क्या है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ये वर्ड याद रखना सर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव नेक्स्ट क्या कवर किया आउट ऑफ पॉकेट का इमीजिएटली कैश आउटफ्लो होता है बस यहां तक ही खत्म है और कोई किया क्या नहीं ना सर जी अगला जबरदस्त कंसेप्ट है सीए फाइनल में भी ये कंसेप्ट शटडाउन कॉस्ट क्या है पढ़ना नहीं सब लोग मेरे पास ध्यान दो uh, सर जी आपको शटडाउन सुन के क्या दिमाग में क्या आ रहा है शटडाउन का मतलब क्या है अच्छा फर्म बंद करना ठीक है ये गलत कंसेप्ट है ना सर नहीं 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 रुके ना रुकिए ना लेट मी एक्सप्लेन सर दो मिनट सर ये शटडाउन बंद करने का नहीं है शटडाउन इज नॉट अ परमानेंट क्लोजर ऑफ बिजनेस क्या बोल रहा हूं सर शटडाउन इज नॉट अ परमानेंट क्लोजर ऑफ बिजनेस शटडाउन इज जस्ट अ टेम्पररी क्लोजर ऑफ बिजनेस सर ऐसे टेंपररी क्लोज क्यों करते हैं आपने अभी सुना रहेगा रिसेशन की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री महीने महीने के के लिए या एक के लिए या शटडाउन थी काफी सारे मारुति का प्लांट पंद्रह दिन बंद था सुना है ना आपने या फिर सर महिंद्रा एंड महिंद्रा का नासिक में जो प्लांट है वो पंद्रह दिन बंद था तो सर शटडाउन का मतलब क्या है टेम्पररी डिमांड कम है ना इसके लिए सर टेम्पररी हम लोग बंद रखते हैं प्लांट दिस इज कॉल्ड एज शटडाउन सर शटडाउन जब आप करेंगे टेम्पररीली एक महीना दो महीना सिक्स मंथ सारे फिक्स कॉस्ट सेव होंगे यस और नो सारे फिक्स कॉस्ट सेव होंगे आप यस बोल रहे हो किसी को नो बोलना है सर सारे फिक्स कॉस्ट सेव होंगे ऐसा आप यस बोल रहे हो सारे फिक्स कॉस्ट सेव हो जाएंगे आपके कंपनी के मैं अगर तीन महीना मेरी फैक्ट्री बंद रखता हूं तो मुझे सारे फिक्स कॉस्ट कम होंगे आंसर नहीं सर सर, फैक्ट्री का रेंट तो पे करना ही पड़ेगा सिक्योरिटी एक्सपेंसेस करना ही पड़ेगा अरे हा या ना, ना। सर एग्जाम्पल चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं ना सर सर एग्जाम्पल लेते हैं आप फाउंडेशन कौन से अटेम्प के पास आउट है हाँ अरे हाँ आप फर्स्ट अटेम्प मुझे पता है आप बहुत होनार स्टूडेंट हो अरे फर्स्ट यानी ईयर कौन सा है आपका अरे नोवर नाइनटीन अटेम्प के हा या ना ठीक है सर जैसे कुछ स्टूडेंट बोला सर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या बात कर रहे हैं आप ठीक है फर्स्ट पता है फर्स्ट अटेम्प्ट था सर जी नवंबर 19 में फर्स्ट अटेम्प्ट वाले आप सब स्टूडेंट हो लेकिन सर जिन लोगों का मे ट्वेंटी का फाउंडेशन का अटेम्प्ट है वो ऑब्वियसली सेकेंड अटेम्प्ट वाले है अरे हाया ना आ, अरे ट्वेल्थ के बाद कब आता है अभी अटेम्प्ट नवंबर में ही आएगा ना सर अरे हाया ना कंफ्यूज क्यों हो भाई तो ट्वेल्थ के बाद नवंबर में आएगा ना पहला तो नवंबर में जो लोग फेल हो गए ना वो कब अटेम देंगे मे ट्वेंटी अब मे ट्वेंटी का अटेम दिया लेकिन सर इंस्टीट्यूट ने ब्लंडर कर दिया इंस्टीट्यूट में जीरो पॉइंट जीरो 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 रिजल्ट लगाया जीरो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट सर पुणे में सिर्फ दस स्टूडेंट पास हुए स्टूडेंट में कितने पास हुए दस सर दस स्टूडेंट पास हुए क्लास लेने वाले पंद्रह no. दस स्टूडेंट पास हुए क्लास लेने वाले पंद्रह सो बोल रहे लेकिन चलो ठीक है छोटे मोटे भूल जाइए पंद्रह लोग क्लास लेते हैं और दस स्टूडेंट पास आउट हुए सर कितने स्टूडेंट पास आउट हुए दस तो अभी क्या होएगा सर दस अगर पास आउट हुए तो बीस के पास कितना आएगा दो तीन पांच <laughs> कोई नहीं <laughs> कुछ लोग बोले कोई नहीं आएगा चलो ठीक है कोई नहीं आया अच्छा अच्छा एक मिनट आ एक दो ही स्टूडेंट आया वी स्मार्ट अकेडमी के पास सपोज से फॉर एग्जाम्पल तो सर इज इट लॉजिकल टू कंडक्ट द बैच फॉर टू स्टूडेंट आप सोचिए ना इतने बड़े क्लास में सिर्फ दो लोग बैठे हैं ठीक है उसमें से एक मैं हुआ और एक दो स्टूडेंट बैठे हुए से, से मस्त लगे <laughs> तो सर ऑब्वियसली तो हम लोग क्या सोचेंगे भाई ये अटेम्प के लिए बैच नहीं लेते ये अटेम्प के लिए बोल रहे ये अटेम्प के लिए बैच लेना फीजिबल नहीं है दो स्टूडेंट के लिए इतना क्योंकि सर हम लोग क्या कर देंगे फिर ऑफिस थोड़ा बंद रखेंगे तो सैलरी वगैरह देने का झंझट नहीं होएगा तो शटडाउन इज नॉट अ परमानेंट क्लोजर शटडाउन इज जस्ट अ टेम्पररी क्लोजर तो सर अपना कंसेप्ट क्या है कंसेप्ट आते हैं शटडाउन कॉस्ट जो कॉस्ट शटडाउन में भी लगता है जो कॉस्ट शटडाउन में भी लगता है इज कॉल्ड एज अ शटडाउन कॉस्ट अब ये बताइए ना सर अगर मेरा ये क्लासरूम तीन महीना शटडाउन है फिर भी कौन सी कौन सी कॉस्ट लगेगी सर रेंट तो लगेगा ना भाई अरे ये तो डेप्रिसिएट होने ही वाला है ना टाइम के बेसिस पे अरे डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे देते ना हम लोग ईयरली डेप्रिसिएट तो वो होने ही वाला है लेकिन सेव क्या होएगा सर कुछ फिक्स को सेव हो सकते हैं जैसे कि सर जी सैलरी वगैरह हम लोग बोलते भाई तीन महीना मेरे पास ही काम नहीं है मत आना भाई तू तो एंजॉय कर तेरी लाइफ ठीक है मजे कर तीन महीने के बाद देखते हैं क्या स्टूडेंट का फ्लो है तो कुछ फिक्स कॉस्ट सेव होता है कुछ फिक्स कॉस्ट सेव नहीं होता है तो बाय द वे शटडाउन कॉस्ट है क्या फिर शटडाउन कॉस्ट शटडाउन किया फिर भी जो कॉस्ट लगता है इज कॉल्ड एज अ शटडाउन कॉस्ट क्लियर है सर प्लीज राइट डाउन शटडाउन कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच विल कंटिन्यू विच विल कंटिन्यू विच विल कंटीन्यू इवन इफ विच विल कंटिन्यू इवन इफ प्लैंट इज टेम्पररीली शटडाउन दीज आर अनेबल फिक्स कॉस्ट दीज आर अन अवॉयडेबल फिक्सड कॉस्ट लाइक रेंट डिप्रिसिएशन बरोबर है सर आपका रेंट डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा शटडाउन कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगा सर जो इनकम कमा सकते थे ठीक तो है आएगा आएगा सर टेंशन मत लो मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटेल में बताऊंगा जी सर सर खत्म होते आ गया सर अगला चेक करो सर क्या है सर नाम ही बहुत जबरदस्त है क्या है इसका नाम संक सर यहां ध्यान दो सब लोग यहां पे ध्यान दो संक कॉस्ट क्या है एक जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूं संक कॉस्ट दिमाग में फिट हो जाएगा सर मैं जब इंटरमीडिएट में था ठीक है नहीं 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 फाइनल की बात है नॉट इंटरमीडिएट सर मैं जब फाइनल में था फर्स्ट अटेम्प में जोश जोश में बोध ग्रुप का फॉर्म भर दिया इंटरेस्टिंग है आप सुनिए सर सर मैं जब फाइनल में था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मैंने क्या किया जोश जोश में बोध ग्रुप का फॉर्म भर दिया क्योंकि जब फॉर्म भरते तो ख्वाहिश रहती रैंक में आएंगे हर एक स्टूडेंट का वही रहता है जब फॉर्म भरते सर एकदम ऐसे सर ये इस बार तो रैंक पक्का है सर तो मैंने जब फॉर्म भरा था तो मुझे लगा था मैं रैंक में आऊंगा ठीक है तो मैंने बोध ग्रुप का फॉर्म भर दिया तीन फीस है कितना फीस था दोनों ग्रुप का तीन हजार दो सौ रुपए फॉर्म फीस था ठीक है तो मैंने जोश जोश में फॉर्म तो भर दिया अब एग्जाम आ गया डेढ़ महीने पे एग्जाम आ गया डेढ़ महीने पे और डेढ़ महीने के बाद मुझे लगा अरे भाई दोनों ग्रुप पॉसिबल नहीं है तो मैं एक काम करता हूं फर्स्ट ग्रुप नहीं देता हूं ठीक है डायरेक्टली मैं सेकेंड ग्रुप देता हूं लेकिन अगर मैंने सिर्फ सेकेंड ग्रुप का फॉर्म भरा रहता तो मेरा फॉर्म फीस था अठारह सौ रुपए मेरा फॉर्म फीस कितना था अठारह सौ था तो इमीजिएटली मैंने प्रेसिडेंट सर को फोन किया सर प्रेसिडेंट कौन है भाई प्रफुल्ल छाजेट सर यस हमारे रिलेटिव है मैंने उनको कॉल किया सर गलती हो गई सर दोनों ग्रुप का फॉर्म भर दिया सर अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगा सर सर मैं अभी एक ही ग्रुप देने वाला हूं सर तो प्लीज सर मुझे एक हजार चार सौ रुपए रिफंड कर दो सर प्लीज मुझे एक हजार चार सौ रिफंड कर दो रिफंड करेंगे क्या अरे मेरे रिलेटिव है फिर भी रिफंड नहीं होएगा क्योंकि वो संक कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है संक कॉस्ट है लग गई सर वो कॉस्ट अब आगे सर मैंने सेकंड ग्रुप भी नहीं दिया सेकंड ग्रुप भी नहीं दिया तो मुझे क्या तीन हजार दो सौ वापिस मिलेंगे क्या आंसर इज नो तो संक कॉस्ट का मतलब देखो सर एग्जांपल क्लियर है तो आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा सर संक कॉस्ट इज कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड आप फ्यूचर में कुछ भी डिसीजन लो वो कॉस्ट चेंज नहीं होगा फ्यूचर में कुछ भी डिसीजन लो आपकी कॉस्ट चेंज नहीं होगी इज कॉल्ड एज अ संक कॉस्ट सर एक और एग्जाम्पल देता हूं सर सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स सर मेरा और डायरेक्ट टैक्स का छत्तीस था कुछ भी नहीं झेपता था अभी भी कुछ भी नहीं आता है मेरी वाइफ सीए है वो मेरा ऑफिस पूरा संभालती है डायरेक्ट टैक्स वही देख लेती है मुझे कुछ भी नहीं आता डायरेक्ट टैक्स में तो सर जी मेरा जब अटेम्प्ट था मैंने डायरेक्ट टैक्स का सिंगानिया परचेस किया इतना बड़ा क्या सिंगानिया ऑथर है इतना बड़ा बुक रहता है सिंगानिया बोला टैक्स आता नहीं ना बहुत अच्छे से करेंगे इतना बड़ा डेढ़ हजार दो हजार पेजेस का बुक परचेज किया ठीक है पढ़ाई स्टार्ट की पढ़ाई स्टार्ट किया सर दो महीने में तीन सौ पेज भी नहीं हुए और एग्जाम आ गई दो महीने पे ठीक है मैंने वो सिंगानिया को साइड में रखा ठीक है जितना समराइज नोट्स किसी और फैकल्टी का था नाम नहीं लेता हूं फैकल्टी का एक समराइज नोट्स था 200 पेजेस का भाई वो अपने लिए जबरदस्त था उसमें से पढ़ाई करना स्टार्ट किया मैंने डिसीजन लिया सिंगानिया अब यूज नहीं करना है मुझे मैंने दो हजार रुपए का सिंगानिया परचेस किया था अब उसमें से पढ़ाई नहीं करने वाला हूं कुछ फर्क पड़ेगा क्या दो हजार पे वो दो हजार पे कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा नहीं वो ऑलरेडी मुझे लग गया तो संक कॉस्ट क्या है कॉस्ट विच इज ऑलरेडी ठीक है सर नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल सर काफी लोग पुणे के बाहर से यहाँ पे आए हुए हैं ठीक है हॉस्टल में रह रहे हैं हॉस्टल में जाते ही पैसा भरना पड़ता है हॉस्टल में जाते ही पैसा भरना पड़ता है कुछ एडवांस तो देना ही पड़ेगा सर सपोज आपने दस हजार रुपए का एडवांस दे दिया सुनो ना आगे तो सुनो सर दस हजार का एडवांस सर मैंने भी ऐसे किया था जब मैं नासिक से पुणे आया था दस हजार रुपए का एडवांस दिया था सर हॉस्टल में पहले दिन गंदी रैगिंग हुई सर <laughs> क्या बताऊ सर क्या हुआ था सर इतना खतरनाक है सर यानी क्या बताऊ सर नाम नहीं बताता हॉस्टल का काफी सारे लोग वो हॉस्टल में रहेगे यहाँ पे ठीक है जैन हॉस्टल का नाम नहीं बताऊंगा सर <laughs> <laughs> तो सर बहुत गंदी रैगिंग हुई सर तो मेरा मन यह हो गया था सर अरे पॉसिबल ही नहीं है इतना डेंजर रैगिंग किया था पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे रहना लेकिन सर ये दस हजार है ना नॉन रिफंडेबल था क्या था नॉन रिफंडेबल था <laughs> तो सर अब मैं हॉस्टल छोड़ दू या हॉस्टल में रहू ये दस हजार पे कुछ इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा नहीं आएगा तो ये दस हजार क्या हो गई सर मेरे लिए संक आगे कुछ भी डिसीजन लो ये गया भाई पैसा तेरा आई होप ये क्लियर है आपको संक कॉस्ट प्लीज राइट डाउन डी से में रहा मैम वहाँ पे थोड़ा कंप्लेन वगैरह किया था पुलिस कंप्लेन वगैरह किया था हम सब स... ए... हम लोग नहीं थे एक पंद्रह बीस लोग थे और सर बहुत डरावना माहौल था हम एक सात आठ लोग आए थे नासिक से पढ़ने के लिए ठीक है पता नहीं था रैगिंग वगैरह कुछ होता है सामने घूमने के लिए चले गए थे क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ था अगले दिन से क्लास स्टार्ट होने वाला था सारे सीनियर्स बैठे थे स्टेयर पे ठीक है सारे सीनियर स्टेयर केस पे बैठे थे ठीक है हमें कुछ पता नहीं है तो हम लोग हमारे रूम में जाने लग गए ठीक है उसमें से एक सीनियर आया एकदम बिल्ट वगैरह छः फुट दो हाइट इंच हाइट था ऐसे हमें सब लोगों का ऐसा पकड़ा उसने चलो बोले दो मिनट लगे यार सोनेगा यार कल क्लास है चलो 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 दो मिनट चलो बोले मज़ा दिखाता तो तुम लोगों को तो हम लोगों को लेके गए रूम नंबर एट वो जो हमारे हॉस्टल का रूम नंबर एट है वहाँ पे लेके गए वहाँ पे ऑलरेडी बंकर पे पच्चीस लोग बैठे हुए थे जो चार ऐसे बंकर थे ऊपर ऐसे पूरे पच्चीस लोग नीचे सब लोग बैठे थे और जो बाहर तो हम लोग बिचारे आठ लोग ठीक है और वो तीस चालीस लोग जो भयंकर हमारी रैगिंग ली सर अब क्या बताओ सर कभी फुर्सत रहेगा तब बताऊंगा आपको ठीक है यानी सर दो तीन लोग तो वहां ही रो गए मम्मी मम्मी छोड़ दो भैया ठीक है तो ये दस हजार जो है वो क्या हो गई सर संक कॉस्ट है कुछ भी लो डिसीजन आगे रहो या मत रहो दस हजार तो ऑलरेडी इनकर हो चुका था ठीक है तो सर बाद में बताऊंगा कभी फुर्सत में ये सब सारे जो इंटरेस्टिंग किस्से हैं पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं सो प्लीज राइट डाउन संक कॉस्ट कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड Is called as a sunk cost. Cost which is already incurred is called as sunk cost. Red pencil likhyega, it is also called as a historical cost. Red pencil likhyega, it is also called as a historical cost. It is also called as a historical cost.

चलिए सर लास्ट कुछ दो तीन बाकी है अगला पढ़िए सर क्या है हेडिंग पढ़ो सिर्फ क्या है सर जी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट चलिए सर ध्यान दे यहां डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सर डिस्क्रिशन का मतलब क्या है सर ध्यान दो ध्यान दो खत्म हो गया सर डिस्क्रिशन का मतलब क्या है सर हो oh, 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 मेरी मर्जी डिस्क्रिशन का मतलब क्या है मेरी मर्जी क्या बात है सर एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हो आप लोग सर ध्यान दो यहां पर एक जबरदस्त एग्जाम्पल बताता हूं ठीक है सर डी सी ए एम डी सी दर्शन चंडा लिया ए एम अभिजीत मोदी मेरा खास फ्रेंड है कौन है अभिजीत मोदी ठीक है ये भी क्लासेस लेते हैं लेकिन नासिक में क्लासेस लेते हैं मुंबई में लेते हैं और मैं यहां पे मुंबई नासिक पुणे सब जगह पे लेता हूं ठीक है सर ध्यान से सुनना सर एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा कंसेप्ट कंसेप्ट क्या पढ़ रहे भाई देवे Concept क्या पढ़ रहे है बाई द वे डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट ठीक है सर मैं और अभिजीत मोदी ठीक है ये दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं लेक्चर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है ठीक है सर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन का वीडियो रहता है आपने अगर यूट्यूब पे वगैरह किसी का लेक्चर देखा रहेगा ठीक है थीके? तो एक इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में करते हैं ना वो ठीक है तो मेरा एकदम सिंपल है बॉस मेरा जो इंट्रोडक्शन का वीडियो वो एकदम सिंपल है उससे मैंने वो किया हुआ है खर्चा कुछ भी नहीं लगा क्योंकि मैंने खुद ने किया हुआ है एक दस पंद्रह सेकंड का क्लिप रहता है वो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन का तो वो मैंने किया हुआ है ठीक है अब मेरा जो दोस्त है अभिजीत मोदी उसको कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए उसने उसको वो लेक्चर सेल करना था उसने मुझे पूछा भाई इंट्रोडक्शन का क्या क्या है मैंने क्या, क्या करना क्या है मुझे लेक्चर का इंपॉर्टेंस है वो इंट्रोडक्शन का कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं मैंने एकदम सादा मैंने किया इंट्रोडक्शन वो बोलता नहीं नहीं मैंने पुणे के एक दो फैकल्टी का देखा है एकदम जबरदस्त इंट्रोडक्शन है किसी और प्लेनेट से आते <laughs> इंट्रोडक्शन ऐसे कुछ मुझे ऐसे जबरदस्त करना, करना है पिक्चर तो स्टाइल करना है ठीक है तो मूवी स्टाइल करना है ठीक है कर भाई तो उसने पूना का ही एक एनिमेशन वाला था उससे वो स्टार्टिंग का वीडियो एडिट करवा के लिया या फिर वो बना के लिया सर कितना चार्ज किया दो लाख रुपए चार्ज किया उतना तो सेल भी नहीं हुआ बिचारे की वीडियो का <laughs> सेल कुछ हुआ दस पंद्रह पेनड्राइव गए सर दो लाख रुपए उसने कॉस्ट ले लिया वो इंट्रोडक्शन का वीडियो उसने बनाने का लेकिन मैंने फुकट में कर दिया मैंने मैं खुद ने कर दिया ये क्या है फुकट सर फुकट सा पौष्टिक मराठी में बोलते ना तो सर जी मुझे कुछ भी कॉस्ट नहीं लगा लेकिन अभिजीत को लगा नहीं ये अच्छा होना चाहिए उसको दो लाख रुपए का कॉस्ट लगा तो ये क्या है सर जी मेरा अलग डिस्क्रिप्शन हो सकता है उसका अलग से डिस्क्रिप्शन हो सकता है तो सर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं मेरा कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूं जीरो एडवर्टाइजमेंट सर मुझे जरूरत नहीं है सर एडवर्टाइजमेंट की ठीक है जैसे मेरा रिजल्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली मेरा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा ठीक है तो एडवर्टाइजमेंट का मेरा बजट जीरो है अभिजीत मोदी ने एडवर्टाइजमेंट का दो लाख रुपए का बजट लगाया ठीक है सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट सर सब जगह पे सर जी मेट्रो में एडवर्टाइजमेंट बस में एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग साइकिल पे जा रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ठीक है नुस्ता एडवर्टाइजमेंट मैसेज आ रहे हैं सर फोन कॉल आ रहा है इंटरनेट के थ्रू फुल एडवर्टाइजमेंट किया उसका दो लाख का बजट है अब उसने दो लाख किया तो जरूरी क्या मैंने भी वो उतना खर्चा करना चाहिए नहीं मेरा डिस्क्रिप्शन है भाई मेरी मर्जी है मुझे लगता है इस पर जीरो खर्चा होना चाहिए किसी को लगता है उसका लेक्चर बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी है पाँच लाख रुपए का खर्चा होना चाहिए क्या है सर जी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है ये कौन सी कॉस्ट है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है अब ये बताइए सर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए अब मेन पॉइंट पे आ रहा हूं सर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या ये इंपोर्ट इसके बिना इसके बिना मैन्युफैक्चर हो ही नहीं सकता ऐसा है क्या अरे एडवर्टाइजमेंट के बिना मेरा लेक्चर सेल नहीं होगा पॉसिबल ही नहीं सर एक अटेम लेट होगा रिजल्ट आएगा मेरा अगला बैच फुल जाएगा मुझे पता है तो मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं करना चाहिए किसी को लगता है नहीं नहीं पांच लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए वो जबर्दस पे जबर्दस खर्चा करो एकदम प्लास्टिक कोटेड पेपर वगैरह दो ठीक है बाउंड वगैरह बाउंड बुक दे दो और एकदम फोटो सेशन करके ऐसे कुछ वीडियो वगरे फोटो वगैरह उस पर डाल दो खुद के मुझे लगता है नहीं भाई वो मेरा फोटो थोड़ी देख रहा है अंदर का कंटेंट इंपॉर्टेंट है और लेमिनेशन करके बॉन्ड पेपर यूज करके जाड़ा पेपर यूज करके अरे भाई उसको छ महीना ही पढ़ना है <laughs> उसको छ महीना ही पढ़ना है तो अब आप मुझे बताएंगे सर अब आप मुझे बताएंगे सर आपको कंटेंट से लेना देना है वो या बटर पेपर या लेमिनेटेड पेपर से लेना देना है सर नॉर्मल समझा ना भाई उतना है तो ये कौन सी कॉस्ट होगी सर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट मर्जी है सर दिज कॉस्ट आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट आर नॉट मेरा बजट नहीं है एडवर्टाइजमेंट का मैं नहीं करूंगा उसका बजट दो लाख के वो दो लाख का एडवर्टाइजमेंट करेगा तो ये डिस्क्रिशन हो गया सर मर्जी हो गई चलो पढ़ो सर क्या है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट ज कॉस्ट एन नॉट ट्राइड टू क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट मैंने आपको बोला ना सर नेसेसरी नहीं है प्रोडक्शन करना है तो यह कॉस्ट लगने वाला है ऐसा नहीं है आगे क्या दिया चेक करो सर दे यूजली अराइज फ्रॉम पीरियोडिकल डिसीजन रिगार्डिंग द मैक्सिमम आउटलेट टू बी इनकर्ड एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी ट्रेनिंग एक्सेट्रा तो ये एक किस पे डिपेंडेंट है बजेट पे डिपेंडेंट है इतना पैसा मुझे खर्चा करना है इतना मैं करूंगा एक्सेट्रा तो प्लीज राइट डाउन ये था आपका डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सर समझाए? <laughs> डिस्क्रिशन का मतलब क्या है सर जी दीज कॉस्ट आर नॉट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फॉर इनपुट आउटपुट दीज आर डिपेंडेंट ऑन किस पे डिपेंड करता है सर ये जजमेंट पे डिपेंड करता है बजट पे डिपेंड करता है मैं इतना खर्चा कर सकता हूं प्लीज डाउन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट These costs are incurred on the basis of budget, on the basis of budget, and it may vary from manager to manager, it may vary from मैनेजर टू मैनेजर इट में वेरी फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर एग्जाम्पल एग्जाम्पल सर बताइए एग्जाम्पल क्या बोला था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज ट्रेनिंग एक्सपेंसेज एक्सेट्रा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा चलिए सर 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 पीरियड कॉस्ट हमारा ऑलरेडी हो गया मैंने एक लाइन लिखवा के भी दिया है पीरियड कॉस्ट क्या है सर लिखवा के दिया है आंसर दो सर प्रोडक्शन के पहले प्रोडक्शन तक जो कॉस्ट लगता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन के बाद जो कॉस्ट लगता है वो पीरियड कॉस्ट है उधर एक लाइन लिखवा के दिया था वो लाइन देखो यहां पे हाईलाइट किया है ऑल नॉन मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट सच है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज आर रिगार्डेड एज पीरियड कॉल लिखवा के दिया सर वापिस से मत लिखिएगा ये चलिए इंजीनियरिंग कॉस्ट फिलहाल पेंडिंग रखते हैं सर ऑलरेडी दो कॉस्ट अपना हो गया है पढ़ो क्या है सर लास्ट दो कॉस्ट बाकी है कौन सा है एक्सप्लीसिट कॉस्ट है एंड इम्प्लीसिट कॉस्ट है सर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हुआ है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है चेक करो सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट है लेकिन जिसमें इमीडिएटली कैश आउटफ्लो नहीं होता है वो क्या बोलते हैं इम्प्लीसिट कॉस्ट है लिख लो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट दीज आर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस दीज आर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस Like material, labor, like material labour, wages, salary, postage, etc. This involve immediate cash payment. This involves immediate cash payment. This involves immediate cash payment. And last line for the day. Last line for the day. Last paragraph for the day. Implicit cost. Last line for the day. यस सर बरोबर है एकदम बराबर है सर अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट दिस कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व इमिजिएट कैश पेमेंट दिस कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व इमिजिएट कैश पेमेंट दिस कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व इमीजिएट कैश पेमेंट

आज आपको अगर कोई कंसेप्ट ज्यादा नहीं समझा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये सारे कंसेप्ट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ सर बैक पैक की रि कीजिएगा उसके पहले मुझे रिवाइज करके बताइएगा आज एक एक लाइन में आंसर देते रहिएगा सर सबसे पहला कॉस्ट हमने कौन सा कवर किया है देखना नहीं सर अभी आप भी देखना नहीं है सर याद करना है सर पहला क्या है प्री डिटर्माइन कॉस्ट कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड इन एडवांस सर सेकेंड कौन सा था स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है इट इज ऑल्सो प्रीडिटर कॉस्ट फॉर वन यूनिट ओके सर स्टैंडर्ड में स्टेप बताइए बताइए क्या है स्टेप नंबर वन स्टैंडर्ड स्टेप नंबर टू एक्चुअल थर्ड में कंपेयर किया जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे वराय एडवर्स और फेवरेबल कुछ डिसीजन लिया वराय के बेसिस पे ठीक है सर so, तीसरा क्या था मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट लगा है वो मार्जिनल कॉस्ट है चलो ठीक है सर नेक्स्ट वन क्या है एस्टिमेटेड कॉस्ट सर एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट फॉर टोटल प्रोडक्शन दस हजार यूनिट के लिए बीस हजार एग्जाम्पल दिया था आपको वो टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व होता है आगे अगला क्या था सर जी डिफरेंशियल कॉस्ट सर जी डिफरेंशियल कॉस्ट कॉस्ट का डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिव सर इसमें वेरिएबल लेते हैं फिक्स लेते हैं या दोनों लेते हैं वेरिएबल और फिक्स दोनों कंसिडर करेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट में डिफरेंस लेना है कॉस्ट का नेक्स्ट क्या कवर किया कौन सा इम्पुटेड कॉस्ट इम्पुटेड कॉस्ट क्या था भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट था या नहीं था नहीं था ओके नेक्स्ट वन कैपिटलाइज्ड कॉस्ट है जी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या है पहले इनिशियली आप एज एसेट ट्रीट करते हो बाद में एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हो इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन नेक्स्ट वन सर जी प्रोडक्ट अरे प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन से नहीं 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 पहले नहीं प्रोडक्शन से पहले क्या कॉस्ट लगेगा क्या रे प्रोडक्शन तक जो कॉस्ट लगा है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन के बाद जो कॉस्ट लगा है वो पीरियड कॉस्ट है यानी एडमिनिस्ट्रेशन जनरल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट ठीक है नेक्स्ट वन सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नासिक में बैच नहीं लिया क्लासरूम रेंट पे नहीं दिया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सर जी नेक्स्ट बेटर आपने जो रिजेक्ट कर दिया अल्टरनेटिव उसका जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का वो हमें करना है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट के बाद क्या कवर किया सर जी सर जी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है नहीं सर जी जिसका इमीजिएटली कैश आउटफ्लो होता है सर शट डाउन शट डाउन परमानेंट क्लोजर है या टेम्पररी क्लोजर है टेम्पररी क्लोजर है तो टेम्पररी क्लोज किया तो भी जो कॉस्ट लगता है उसको क्या बोलेंगे आप शट डाउन कॉस्ट है ओके नेक्स्ट वन सजी संक को सर संग मैंने फॉर्म फी भर दी हॉस्टल की फी भर दी बाद में कुछ भी डिसीजन लू चेंज नहीं होगा तो संक को डिसीजन लेते वक्त कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो लग गई कॉस्ट अब आगे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते चलो ठीक है सर उसके बाद डिस्क्रिशनरी मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट करना इन्हें लगता है एडवर्टाइजमेंट नहीं करना इन्हें लगता है दस लाख का एडवर्टाइजमेंट करना ये मैनेजर के डिस्क्रिशन पे डिपेंडेंट है इनपुट आउटपुट का इस पर कोई लेना देना नहीं है ओके नेक्स्ट वन पीरियड कॉस्ट हो गया है इंजीनियरिंग कॉस्ट नहीं बताया आपको मैंने हाँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट यानी अकाउंटिंग कॉस्ट जैसे इन्होंने बोला सर जी इमीजिएट कैश आउटफ्लो होता है इम्प्लीसिट कॉस्ट में इमीजिएट कैश आउटफ्लो नहीं होता है याद रखना लास्ट लाइन इम्प्लीसिट कॉस्ट रिकॉर्ड सर यहां पे हमने मेजर थेरी कवर कर लिया सर जो पकाऊ पार्ट था ठीक है जो बहुत एग्जॉस्ट करता है पार्ट ठीक है इंटरेस्ट कम रहता है वो पार्ट हमने ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से जबरदस्त पॉइंट दैट इज कॉस्टीड अगले लेक्चर से कैलकुलेटर दिमाग साथ में रखना ठीक है कैलकुलेटर चाहिए कैलसी चाहिए क्योंकि अभी कैलकुलेशन का पार्ट आएगा काफी सारे क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करने वाले अगला लेक्चर आपका क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है सर मे एटीन नोवर एटीन मे नाइनटीन नोवर नाइनटीन आया था या नहीं आया था पे क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया था दस मार्क्स तो अगले दो या तीन लेक्चर में आप कितने मार्क्स लेके जाने वाले हो दस मार्क्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट आपके पांच मार्क का टॉपिक कवर हो गया हाँ, है हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है आई नो दैट लेकिन जो

Thank you very much.